बिहार के प्रसिद्ध मखान को जल्द ही GI टैग मिल सकता है। भौगोलिक संकेतक मिलने से मखाना को ग्लोबल पहचान मिलेगी और बड़ी मात्रा में इसका निर्यात भी होगा, जिसका सीधा लाभ राज्य के मखाना किसानों को मिल सकेगा। चर्चा है कि बिहार का मखाना के रूप में इसे GI टैग मिलेगा। मिली खबर के मुताबिक केंद्र सरकार के कंसल्टेंटिंग समूह ने पटना में इसकी बैठक की और इस संबंध में जरूरी कामकाज का निपटारा कर दिया है। बैठक में आवेदक के दावों की सत्यता पर मुहर लग गई है। अधिकारियों को मखाने की विशेषता और गुणों के बारे में भी आवेदकों ने जानकारी दी है। दरअसल GI टैग के लिए मिथिलांचल मखाना उत्पादक समूह ने आवेदन किया था। कंसल्टेंटिंग समूह के अधिकारियों ने उत्पादक समूह को भी बैठक में हिस्सा लेने के लिए बुलाया था। समूह ने मखाना के इतिहास और उत्पादन से जुड़े तथ्य भी प्रस्तुत किए। GI टैग मिलने के बाद मखाना का कहीं से कहीं भी मार्केटिंग किया जा सकेगा, वहीं कोई दूसरा राज्य इस उत्पाद पर दावा नहीं कर पाएगा। इससे राज्य के मखाना उत्पादक किसानों को लाभ होगा, क्योंकि उन्हें एक वैश्विक बाजार और नई पहचान मिल जाएगी। इसका सीधा असर उनकी आमदनी पर भी पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक अगर मखाना को GI टैग मिल जाता है तो ये बिहार का 5वां कृषि उत्पाद होगा जिसे GI टैग मिला है। इससे पहले कतरनी चावल, जरदालू आम, शाही लीची और मैगी पान को GI टैग मिल चुका है। आपको बता दें कि बिहार में दुनिया का लगभग 85% मखाने का उत्पादन होता है। हर साल राज्य के किसान 6000 टन मखाने का उत्पादन करते हैं। बाकी का 15% जापान, जर्मनी, कनाडा, बांग्लादेश और चीन में होता है। बिहार में मखाना के उत्पादन को और बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसकी नई और उन्नत किस्मों को विकसित करने का भी काम हो रहा है। GI टैग मिलने के बाद किसान उत्पादन बढ़ाकर अपनी कमाई कई गुना तक बढ़ा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।